जय सियाराम। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना। हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हनुमान जी की शरण में हो जाती है। समस्त बाधाओं का निवारण हो जाता है, सभी संकटों का निवारण हो जाता है। सब संभव है हनुमान जी की शरण में जाने के बाद। कई बार कुछ प्रश्न सामने आते हैं हमारे सामने कि हनुमान जी तो सब कर सकते हैं, सब करते हैं, तो फिर मेरी समस्याओं का अंत क्यों नहीं हो रहा, मेरी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो रहा। इसको बहुत गहरे समझने की आवश्यकता है कि हनुमान जी तो तत्क्षण समस्याओं का निवारण कर देते हैं, संकटों को हर लेते हैं। ये भक्तों का अनुभव है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें लिखी हैं ये निज अनुभव है, उनका प्रत्यक्ष अनुभव है। आज भी जो हनुमान जी के भक्त हैं वो समय समय पर ये अनुभव करते हैं कि हनुमान जी तत्क्षण कृपा करते हैं। गोस्वामी जी ने इस पूरे संसार को सीए राम में कहा है, सीए राम में सब जग जानी, हर जगह राम और सीता का दर्शन हो रहा है। इस भाव दशा में पहुंच गए हैं गोस्वामी जी। और तब कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई, तब किसी अन्य देवता को चित्त में धरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त संसार में सभी जगह उन्हीं का जब दर्शन होने लगता है तो अन्य देवता को चित्त में धरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार जो ईश्वर के विभिन्न स्वरूप हैं उसकी भी अपनी महत्ता होती है, तब तक जब तक अपने इष्ट के प्रति हमारी एकाकारिता उस रूप में नहीं हुई है जिस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी की है। अगर हम हर शय में हर जगह अपने इष्ट का दर्शन नहीं हो रहा है तो ईश्वर के अन्य स्वरूपों की महत्ता को भी स्वीकार करना ही होगा, उनका पूजन करना ही होगा। ये स्थिति जब आ जाएगी हमारी भी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, एक हनुमान जी सब कर देंगे, तो क्या हनुमान जी विवाह भी करा देंगे? इस तरह के सवाल भी सामने आते हैं। जब कभी मौका मिलता है फ़ोन कॉल्स अटेंड करने का, उठाने का, बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोग बात करते हैं। एक आम समस्या हम आजकल इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियों का समय पे विवाह नहीं हो रहा है और इससे वो काफ़ी चिंतित हैं, उम्र काफ़ी बढ़ती जा रही है। हनुमान जी की महिमा सुनने के बाद, हनुमान भक्ति देखने के बाद एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक आस जगी है मन में कि हनुमान जी सब कर देंगे, हनुमान जी सब करते हैं, हनुमान जी सब संभव कर देते हैं। कुछ तो रोते रोते भी जो महिला भक्त हैं वो बताती हैं कि उनकी उम्र काफ़ी हो गई, विवाह नहीं हो रहा, विवाह की बड़ी परेशानी आ रही है, सब करके देख लिया है, ज्योतिषियों से सलाह ले लिया, उनके द्वारा बताए गए उपायों को कर लिया, फिर भी बात नहीं बन रही, स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई सुयोग्य वर नहीं मिलता, शादी हो नहीं पा रही है, घर में चिंता की स्थिति है। और स्वाभाविक है, घर में अगर कोई लड़की हो शादी योग्य, उसकी शादी ना हो रही हो तो पूरे परिवार के लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें? तो हनुमान जी का तो महामंत्र है कि और मनोरथ जो कोई लावे स्वयं इति जीवन फल पावे, जो भी आपके मनोरथ होंगे वो पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी के कृपा से, हनुमान जी के प्रेरणा से, और ये समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की शक्तियाँ जिनमें समाहित हैं और उनकी आप आराधना करेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश साक्षात शिव भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, इनके सम्मिलित जो शक्ति पुंज हैं उनकी हम आराधना करें। और विवाह के लिए विशेष तौर पे ये अनुभूत प्रयोग है, संत महात्मा ईश्वर के उसी स्वरूप को भजते हैं, सलाह देते हैं, और जो भी जातक हैं उनके स्वरूप को भजें तो शीघ्र विवाह का योग बन जाता है, और वो हैं माता कात्यायनी। हनुमान जी में सभी शक्तियां विद्यमान हैं, हनुमान जी स्वयं शिव हैं, उनकी जो पूंछ है कई बार चर्चा हुई है वह स्वयं शक्ति पूंज है, माता पार्वती हैं जिन्होंने लंका को जला दिया, इस पे बातें हुई हैं। तो ये जो सम्मिलित शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश की, माता कात्यायनी, उनकी आराधना करनी चाहिए उन्हें जिन्हें विवाह में परेशानी आ रही है। माता कात्यायनी का आविर्भाव उस स्वरूप में हुआ कि ये जो तीनों शक्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनकी महत्ता स्थापित करने के लिए महिषासुर से वो परास्त हो रहे थे, यानी महिषासुर को पार पाना ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी संभव नहीं था। तो अब इन तीनों शक्ति पुंज से
एक नए शक्तिपुंज का आविर्भाव हुआ, जो कि कात्यायनी देवी के रूप में जगत में विख्यात हुई, जिनकी 18 भुजाएं थीं और उन्होंने महिषासुर का वध किया। कात्यायनी जो देवी हैं, यह साक्षात स्त्री शक्ति का प्रतीक है, स्त्री स्वरूप का प्रतीक है। उनकी आराधना जब कोई स्त्री करती है और विवाह के लिए करती है, अपने पारिवारिक सुख के लिए करती है, तो वो शक्ति पुंज उस स्त्री के भीतर भी उसको प्रकाशित करता है और उसके मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। तो ऐसे लोग कात्यायनी देवी का पूजन करें। भागवत पुराण में भी लिखा है कि भाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। जिस स्त्री का भाग्य सुषुप्ता अवस्था में है, जागृत नहीं हो रहा है, सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, माता कात्यायनी की अगर वो आराधना करे तो सोया हुआ भाग भी जग जाता है, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष से आप इसको शुरू करें, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से इसको शुरू कीजिए। और अभी तो अक्षय तृतीया करीब है, 10 तारीख को अक्षय तृतीया है, 10 मई को अक्षय तृतीया को भी एक उपाय कर लें। एक पानी वाला नारियल लेकर के आप पीपल के पास पहुंच जाएं, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा विष्णु और महेश का उसमें निवास है और माँ जगदम्बा साक्षात वहाँ निवास करती हैं, महालक्ष्मी निवास करती हैं। तो हाथ में नारियल लेकर के उनसे प्रार्थना करके जो भी आपका मनोरथ है कि शीघ्र शादी करा दें, सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाए, और उसके बाद 7 परिक्रमा दायने हाथ से पीपल का करके और वहीं पे नारियल अर्पित कर दें। और उसके बाद जब शुक्ल पक्ष आएगा तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इसको करना चाहिए। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के माँ कात्यायनी की एक फ़ोटो तस्वीर वहाँ विराजित करें, या माँ भगवती माँ दुर्गा किसी भी स्वरूप में विराजमान हो, नहीं भी है तब भी मन ही मन माँ दुर्गा का ध्यान धरते हुए उनकी आराधना करें। क्योंकि सबसे पहले ये बात आती है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी कि भगवान कृष्ण जैसा पति मिल जाए या भगवान कृष्ण स्वयं पति रूप में मिल जाए। इसके लिए इनकी पूजा, कात्यायनी देवी की पूजा सभी जो कन्याएं हैं उन्होंने की थी। और एक अच्छी बात इसमें रहती है कि मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। विवाह संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी ज्योतिषीय उपाय करके कोई थक गया, जो भी बाधाएं आ रही हों जन्म कुंडली के हिसाब से, और सारे निराकरण उपाय करने के बाद भी बात न बन रही हो, तब भी अगर कात्यायनी देवी की पूजा की जाए तो सभी दोषों का समापन हो जाता है और सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाती है। तो माता को लाल आसन पर आप विराजित करें, लाल वस्त्र स्वयं धारण करें, लाल आसन पर बैठ जाएं और लाल रक्त चंदन की माला से पहले हाथ में जल ले लें, फूल ले लें और माता से प्रार्थना करें कि अभी हम थक गए हैं, सारे उपाय करके सब पूजा करके अब थक गए हैं और गृहस्थ धर्म में हैं, गृहस्थ आश्रम में हम हैं, तो एक सुयोग्य वर की हमें प्राप्ति हो जाए। और माता से कहते हुए लाल फूल उनको अर्पित कीजिए और जो भी प्रसाद वगैरह है आप बनाई हैं, लाया गया है बाजार से, उसको अर्पित माता को कर दीजिए। और 125,000 मंत्र का जप करना चाहिए। तो 125,000 मंत्र ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको कम से कम 12 दिनों में विभाजित कर दें, 11-12 दिनों में विभाजित कर दें 125,000 मंत्र को। ये जो महामंत्र है, कात्यायनी महामाई महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य अधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है 125,000 मंत्र, और फिर 12,500 मंत्रों से आहुति दे देनी चाहिए। और इस तरह से ये मंत्र जब ये सिद्ध हो जाता है और विवाह बाधा में को लेकर के जो आपको परेशानी है, ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। और जिस दिन ये मंत्र जब पूरा हो जाए उस दिन मंदिर जा कर के माता को श्रृंगार सामग्री जरूर भेंट करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो मनोरथ हैं इसको पूर्ण कर दें और शीघ्र विवाह का योग बना दें। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें भी ईश्वर के इस स्वरूप को, चूँकि जो तीन महाशक्तियाँ जो मूलतः एक ही हैं, उन तीन महाशक्तियों से भी एक जो शक्तिपुंज का आविर्भाव हुआ वही कात्यायनी माता है। इसलिए जो लोग कहते हैं और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे, हनुमान जी का ही उनमें दर्शन करते हुए
आप हनुमान जी के भक्त हैं तो, क्योंकि सभी मूलतः एक ही हैं। ईश्वर को जिस रूप की महत्ता स्थापित करनी होती है उसी रूप की उस समय बात होती है, उसी रूप का आविर्भाव उस समय होता है। और कई बार ईश्वर भक्तों को उसी रूप में उसकी मनोकामना सिद्ध करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस तरह से माँ भगवती की, माता कात्यायनी की अगर पूजा किया जाए तो यकीन मानिए, विश्वास के साथ आप पूजा करके देखिए, माता कात्यायनी की कृपा होगी और जो भी विवाह योग्य लड़कियां हैं उनकी शादी हो जाएगी। एक ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र जप करने के बाद जो भी रिश्ता सामने आए उसको माता का प्रसाद समझते हुए स्वीकार करें। चूँकि हमारा जीवन कैसा बनेगा, सुखमय होगा या किस प्रकार से होगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम अपने बुद्धि विवेक से मीन मेख निकाल करके अपना जीवन साथी चुनते जरूर हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा ये तो सब ईश्वर के हाथ में है। इसी प्रकार से जो पुरुष जातक हैं उनके लिए भी महामंत्र है जिसकी हम आगे बात करेंगे। पत्नीम मरुणाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, कि हे देवी आप मुझे मनोरम पत्नी प्रदान करें जो इस संसार सागर से मुझे पार ले जाने वाली हो और उत्तम कुल में जो उत्पन्न हुई हो। ये माता से प्रार्थना की जाती है। तो इस रूप से आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी सब करते हैं, सब कर सकते हैं, सब संभव कर देंगे। हनुमान जी तो क्षण भर में कृपा कर देंगे, कृपा कर देंगे। तो जिनको सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही है उनके यहाँ तो लाइन लग जाएगी, ऐसे सुयोग्य वरों की हनुमान जी कृपा हो जाए तो फिर उसमें से चयन करना मुश्किल हो जाएगा कि किससे विवाह करें। इसलिए हनुमान जी बस कृपा कर दें, कृपा की प्रार्थना करें। शिकायत बिल्कुल नहीं कि हमने इतनी पूजा कर ली, इतने उपाय कर लिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप ये लेन देन वाली मनस्थिति में न रहे कि हमने इतना किया तो इतना मुझे मिल जाए। वो मिल जाता है क्योंकि मंत्रों का अपना प्रभाव है, वो तो निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन भक्ति भाव से इस प्रकार से आप करें तो जो लोग भी इस तरह से विचलित होकर के, रो करके और परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, उनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृपा कर दें हनुमान जी, सब हो जाएगा, सब कर सकते हैं हनुमान जी। जय सियाराम।